नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। देखिए पूरी खबर। ट्रक में लाखों रुपए का डोडा पोस्ता भरकर एक युवक व उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर तस्करी कर रहा था। डोडा पोस्ता पंजाब ले जाना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने ट्रक सहित दोनों को पकड़ लिया। कार्यवाही पूर थाना पुलिस द्वारा की गई। भीलवाड़ा पुलिस की एक सप्ताह में यह दूसरी कार्यवाही है। इससे पहले सोमवार को पुलिस ने ट्रक में जोधपुर ले जाया जा रहा 5 करोड़ का डोडा पोस्ता पकड़ा था। पूर्व थाना प्रभारी शिवराज गुज्जर ने बताया कि शनिवार को वह पुलिस जाब्ते के साथ थाने के पास पूर के नीचे नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रहे थे। चित्तौड़गढ़ की तरफ से पंजाब नंबर का एक ट्रक आ रहा था। संदिग्ध लगने पर ट्रक ड्राइवर को रोकने का इशारा किया। ट्रक में एक ड्राइवर के साथ एक युवती सवार थी। पुलिस को संदेह होने पर ट्रक को थाने लाया गया। ट्रक में आलू व प्याज की बोरियां भरी हुई थी। सभी बोरियों को नीचे उतारने पर उसमें से 9 कट्टों में डोडा पोस्ता मिला, जिसका वजन 240 किलोग्राम पाया गया। बाजार में इसकी कीमत 35 लाख रुपए के करीब है। इसके बाद ट्रक ड्राइवर पटियाला और गाजी सलाद समाना निवासी देवचंद्र उम्र 30 वर्ष, पुत्र जगाराम बाजीगर व लुधियाना तुरमरी निवासी परमी उम्र 21 वर्ष पुत्री हरभजन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि यह डोडा पोस्ता वह पंजाब ले जा रहे थे। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकन को प्रेस जरूर जरूर करें। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।